अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। आप सभी तो संजय दत्त के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के बारे में जानते हैं? तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। मान्यता दत्त का जन्म 22 जुलाई 1979 को मुस्लिम परिवार में मुंबई में दिलनवाज शेख के रूप में हुआ था। उसके बाद वो दुबई चले गए। उन्हें फिल्म उद्योग में सारा खान के रूप में जाना जाता था। कमाल रशीद खान की देशद्रोही फिल्म में उनके लॉन्च के बाद उन्हें एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रकाश झा द्वारा स्क्रीन नाम मान्यता दिया गया था। लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके परिवार के व्यवसाय उनके ऊपर जिम्मेदार छोड़ दिया गया और इसलिए एक स्टार बनने की उनकी इच्छा समाप्त हो गई। उनके पहले पति मेराज रहमान 2003 में उनके साथ विवाह हो गया। मेराज फिल्म उद्योग में एक संघर्षरत लेखक रहे हैं और वर्तमान में जेल में है। उन पर कुछ बॉलीवुड अभिनेत्री को अश्लील SMS भेजने का आरोप है। इन जोड़े में एक बेटा भी है जो दुबई में मान्यता के रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। मेराज रहमान के बयान के अनुसार उन्होंने मिराज को तलाक दिए बिना संजय दत्त से विवाह किया। इसके अलावा जब गोवा जिला प्रशासन ने मान्यता और संजय के विवाह पंजीकरण पत्रों की पुनः जांच करने का आदेश दिए तो उन्हें मान्यता द्वारा प्रस्तुत एक झूठा निवास प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद उन्होंने मान्यता पर एक शो कॉज नोटिस दिया और उन्हें ये बताने के लिए कहे कि यह प्रमाण पत्र क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। पैराडाइज पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में मान्यता ने नाजे कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना की। वह मास में उनके झूठे नाम दिलनवाज सिंह के रूप में उन्होंने संजय दत्त को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेसिडेंट और ट्रेजरी के रूप में नियुक्त किया। कंपनी के कानूनी पेपर्स में बहमास के बजाय बांद्रा पश्चिम बिहार के पते का भी उल्लेख किया गया है। संजय दत्त के 2 साल के डेटिंग के बाद मान्यता ने 7 फरवरी 2008 को गोवा में ताज एक्सोटिका में एक निजी हिंदू शादी में संजय दत्त से विवाह किया। प्रारंभ में जब संजय की बहनों ने न तो अपनी शादी में भाग लिया और न ही मान्यता को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बदल गई है और मान्यता अब अपने ननद के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेते हैं। 2 साल बाद वो जुड़ा बच्चों की मां बन गए। सारा नाम का एक लड़का और 21 अक्टूबर 2010 को इकरा नाम की एक लड़की बन गई। अपनी पहली शादी से पहले और दत्ता से मिलने से पहले मान्यता ने हिंदी फिल्मों में काम किए जैसे कि लवर्स लाइक अस। फिल्म के अधिकारों को बाद में संजय दत्त ने 20 लाख रुपए में खरीदे है। उन्होंने आशा की थी कि 2003 में गंगाधर में एक आइटम नंबर उनके करियर को बढ़ावा देगा, लेकिन फिर मान्यता संजय दत्त से मुलाकात किए और अभिनय के अपने सपने को छोड़ने का फैसला किया। संजय दत्त प्रोडक्शन में मान्यता दत्त एक भारतीय उद्यमी और वर्तमान CEO है। उन्होंने मेरे बाप पहले आप में भी अभिनय किए है जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 2008 की भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी नाटक फिल्म है। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म संजू में जिसे संजय दत्त के जीवन के आधार पर 29 जून 2018 को जारी किया गया था। उन्हें अभिनेत्री दिया मिर्जा ने चित्रित किया है जबकि रणबीर कपूर ने खिताब की भूमिका निभाई। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।